हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में IQ Z9S Pro लॉन्च हो गया है और 26 अगस्त को इंडियन मार्केट में Vivo T3 Pro स्मार्टफोन भी लॉन्च हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन करने वाले हैं एंड लेट्स सी गाइज दोनों स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बट वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड ऑफकोर्स गाइज चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपको दोनों स्मार्टफोन का सेम देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, बैक साइड पे आपको लेदर टेक्सचर देखने को मिल जाएगा और दोनों स्मार्टफोन गाइज आपको सेम डायमेंशन पे देखने को मिलेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन वगैरह में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो गाइज दोनों स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले सेम देखने को मिल जाएगी बिकॉज दोनों में 6.78 इंचेस का 3D कर्व्ड एमलेड पैनल आता है जहां पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 10-bit कलर्स HDR10+ का सपोर्ट भी दिया गया है। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलेगी। इवन 120 हर्ट्ज हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। तो आउटडोर कंडीशन में आपको दोनों स्मार्टफोन में विजिबिलिटी सेम देखने को मिलेगी। सेकंड दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज दोनों स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर पर देखने को मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर 7-8 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं तो परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी, कैजुअल गेमिंग आप कर पाओगे। और यहां पर गाइज आपको LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। बाकी ये स्मार्टफोन आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आते हैं और दोनों में आपको 2 साल के मेजर OS अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। कैमरा के बारे में बात करें तो IQ Z9S Pro स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 मेन सेंसर आता है जहां पर OIS का सपोर्ट दिया गया है और कैमरा क्वालिटी यहां पर बढ़िया देखने को मिल जाती है। बाकी 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है और यहां पर आपको 4K 30fps तक मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि Vivo T3 Pro स्मार्टफोन में भी आपको 50 मेगापिक्सल IMX882 मेन सेंसर मिलने वाला है और यहां पर भी आपको OIS मिलेगा और इसमें भी गाइस 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है और यहां पर भी आपको रिकॉर्ड कर पाएंगे और इसमें स्टेबलाइजेशन भी मिलेगा। तो फोटो क्लिक करते समय या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय हाथ आपका अगर हिलेगा तो आपके फोटो और वीडियो पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं देगा, फोन कैमरा के मामले में भी सही होने वाला है। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो गाइस IQ Z9S Pro स्मार्टफोन में 5500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और यहाँ पर बैटरी बैकअप अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बाकी 80 वोट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन Vivo T3 Pro स्मार्टफोन भी गाइस 5500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। इवन चार्जिंग स्पीड भी सिमिलर रहती है बिकॉज यहाँ पर भी 80 वोट वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। लास्ट में अदर डिटेल्स की बात करें तो ये भी आपको सेम देखने को मिलेंगे बिकॉज दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं विद डॉल्बी एटमोस, तो साउंड क्वालिटी आपको दोनों में बढ़िया देखने को मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 वाईफाई 6 का सपोर्ट दिया गया है और दोनों स्मार्टफोन में आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल गाइस देखा जाए तो फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स प्राइसिंग की बात करें तो IQ Z9S Pro स्मार्टफोन की प्राइस हमें 25,999 रुपीज देखने को मिल जाती है और फ्रेंड्स सेम प्राइस के अंदर आपको Vivo T3 Pro स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। मे बी स्मार्टफोन की प्राइस आपको 1,000 रुपीज कम भी देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोनों स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड ऑफकोर्स गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।